तो दोस्तों फाइनली आज टाइगर 3 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और क्या ही लाजवाब ट्रेलर है इस फिल्म का। इस ट्रेलर का हर एक एक्शन सीक्वेंस बिगर और बेटर नजर आ रहा है टाइगर सीरीज की पिछली सभी मूवीज से। चाहे आप सेट्स की बात कर लो या फिर कॉस्ट्यूम्स की या फिर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की, सभी इस फिल्म के ट्रेलर में एक से बढ़कर एक नजर आ रहे हैं। फैंस ने और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जितनी उम्मीदें इस फिल्म के ट्रेलर से लगाई हुई थी उस पर टाइगर 3 का ट्रेलर 100% खरा उतरता है। आप मैं हम सभी इस फिल्म को देखने के लिए जितने ज्यादा एक्साइटेड थे और ट्रेलर के आने के बाद अब एक्साइटमेंट लेवल और भी कई ज्यादा स्काई हाई हो चुका है। सलमान खान तो हमेशा अपने टाइगर वाले एक्शन अवतार में काफी ज्यादा जचते नजर आते ही है, लेकिन कैटरीना कैफ ने भी अब की बार अपने फैंस के दिलों की धड़कनें तेज कर दी है अपने इस टॉवल ओनली वाले एक्शन सीक्वेंस को लेकर। पिछली बार कैटरीना कैफ ने इतने बोल्ड सीन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दिए थे, पर इस बार उन्होंने ऑडियंस को अपनी फिल्म को देखने के लिए एक और बोल्ड स्टेप ले डाला है और कैटरीना कैफ के डाई हार्ड फैंस स्पेशली इस सेक्सी एक्शन सीक्वेंस को देखने के लिए एक बार तो थिएटर जरूर जाने वाले हैं। वहीं इमरान हाशमी के लुक ने भी सरप्राइज क्रिएट कर दिया है फैंस के दिलों में। टाइगर 3 में इमरान हाशमी सलमान खान के बेटे को किडनैप करके अपना पर्सनल बदला लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर, लेकिन उनका ये सफेद दाढ़ी वाला लुक फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये लुक कुछ कुछ जवान के विलन विजय सेतुपति की याद दिला रहा है। हालांकि इमरान हाशमी के किरदार को टाइगर 3 के ट्रेलर में भी बहुत कम दिखाया गया है ताकि इमरान हाशमी का किरदार सिनेमाघरों में ऑडियंस को सरप्राइज कर सके। तो मेरे ओपिनियन में टाइगर 3 का ट्रेलर पूरी तरह से पैसा वसूल है और जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो सच में ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ डालेगी और नए रिकॉर्ड्स बनाएगी बॉक्स ऑफिस पर। तो आप इस फिल्म के ट्रेलर से कितने ज्यादा इंप्रेस है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।